मेरा नाम आरती शर्मा है। मैं BDC चेयरपर्सन गोल्डी ब्लॉक से हूँ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, और आज की जो प्रेस वार्ता मैंने रखी है, आप सभी मीडिया बंधुओं ने देखा होगा कि पिछले 15 दिनों में भी इतनी बारिश और ओले बरसने की वजह से हमारे किसानों की जो फसल थी वो ख़राब हो चुकी थी। और कल भी आपने देखा पूरा दिन बारिश रही और इतने ओले हुए। वहाँ खासकर मैं ब्लॉक गोडी की बात करूँगी, वहाँ की 20 पंचायतें हैं और 20 पंचायतों के जो लोग हैं वो किसान पे ही निर्भर हैं, क्योंकि वो एक फार्मर हैं और हम भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मुझे बहुत दुख हुआ जब मैं किसानों ने मुझे फ़ोन भी किए कि हमारा जो फसल है पूरी तरह से ख़राब हो गई है, और मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अनुरोध करती हूँ कि जो किसान लोग हैं इनका जो है रिलीफ है वो जल्दी से जल्दी इनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि यही इनका सोर्स ऑफ इनकम था, इसी के ऊपर इनके जो बच्चे थे वो निर्भर थे और जो खर्चा था घर का इसी के ऊपर वो चलता था। क्योंकि आपने देखा कि धान की फसल और सरसों की जो साग इन्होंने लगाया था, पालक का साग था, शलगम थे, रेडिश थी, ये पूरी तरह से वो ख़राब हो गई है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्लॉक गोडी का एक एक किसान जो है वो इसी के ऊपर निर्भर है। और मैं फिर से अनुरोध करती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो कंसर्नी लोग हैं, वो स्पॉट पे जाएं और इन लोगों का जो है मुआवजा वो बनाए, और ताकि इनको जल्दी से जल्दी वो भी प्रोवाइड किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी सरकार के ऊपर, क्योंकि मेरी कल ही हमारे जो MP साहब हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जो हमारे सीनियर लीडर हैं उनसे भी मेरी कल बात हुई थी, तो मैंने उनको भी बताया है कि हमारे जो किसान लोग हैं उनकी फसल जो है बिल्कुल ख़राब हो गई है। जो उनके उन्होंने भी इस पे ऊपर बात की है, और मुझे पूरा भरोसा है अपनी सरकार के ऊपर, क्योंकि वो किसानों के लिए ऐसे भी बातें करते रहते हैं, और इसका जो है मुआवजा है जल्दी से जल्दी जो है हमारी सरकार जो है उन किसानों तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेगी, और हम भी साथ में जो है इसका जो मुआवजा उन गरीब लोगों को है जो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी।